नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् पुरनिद्रुषां वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलशोमोपरितले कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरीनिर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दयां दरा बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री विदग्ध माधव नाटक श्री युवा सरकार श्री वृंदावन में आप वन विहार करने के लिए पधारे हैं। श्री वृंदाजी युवा सरकार को श्री प्रिया लाल दोनों को वृंदावन की शोभा का दर्शन करा रही हैं, निरीक्षण करा रही हैं। मानो श्री वृंदावनेश्वर वृंदावनेश्वरी श्री वृंदावन रूपी निज राज्य उसका ही दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे, उसका निरीक्षण करते हुए विराजमान। जैसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए राजा के द्वारा, ऐसे ही यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए वृंदावन की एक एक वस्तु उनका निरीक्षण करते हुए आप विराजमान हो रहे। श्री वृंदावन की शोभा के माध्यम से ही सखीगण और प्रियालाल भी श्रीमद् वृंदावन में अपने ही इष्ट का दर्शन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो वृंदावन की शोभा ये युगल की शोभा से अलग नहीं है। वृंदावन की शोभा का वर्णन, वृंदावन की महिमा का गायन करना,
युगल की महिमा का गायन करना है। और जहां भी वृंदावन की शोभा का वर्णन किया गया, उस शोभा का परम तत्व दीर्घ दीर्घ तरण न्याय से उसका प्रतिपाद्य श्री युगल की शोभा का गायन करना ही है। अपरोक्ष रूप से वृंदावन का अनधिकारियों को पता नहीं लग जाए, इसलिए अनधिकारी ये समझेंगे कि ये प्रकृति की शोभा का वर्णन किया जा रहा है, परंतु तत्वतः युगल के विलास का ही वहां दर्शन किया जा रहा है। श्री प्रिया जी कुछ कह रही है, उसके एक वचन को, जैसे दोनों एक प्राण दो देह हैं प्रिया लाल, इसलिए प्रिया कोई वचन कहती है तो उस वाक्य को भी श्री श्याम सुंदर पूरा कर देते हैं, और श्याम सुंदर कोई वाक्य कहते हैं तो दोनों के मन मिले हुए हैं, इसलिए उस वाक्य को श्री प्रिया जी पूरा कर देते हैं। तो प्रिया जी ने कहा कि प्यारे देखो देखो, नव कर्णकार उसमें भसलो रसलोभ निश्चलो भवति। 51वां श्लोक था कि नए कर्णकार के कन्नेर के पुष्प के ऊपर ये रस लोभी भसल माने भ्रमर, या अपने भ्रमर स्वभाव को छोड़ करके निश्चित होकर के निश्चल होकर के विराजमान हो गया है। इस कन्नेर के पुष्प के ऊपर भोरा तो कभी एक जगह टिकता नहीं है, सदा घूमता रहता है, परंतु यहां निश्चल होकर के वो बैठा हुआ है। अब तत्वतः श्री प्रिया श्री श्याम सुंदर की रस सेवा करते हुए विराजमान है, उसका हृदय में ध्यान कर रही है, परंतु अनधिकारी कहीं नहीं पहुंच जाए, इसलिए उस रस को गोपनीय रखते हुए कह रही है कि इस स्वर्ण कर्णकार के पुष्प के ऊपर ये श्याम रूपी भ्रमर निश्चल होकर के विराजमान है। और श्री श्याम सुंदर जी ने श्याम सुंदर ने उसी बात को श्री प्रिया के हृदय में प्यारे की जो प्रेम सेवा करने की प्रवृत्ति विराजमान है, उसी को कहीं प्रकट करते हुए कह दिया कि कांचन मंच निविष्टः रसराजोयम् शरीरीव। आज ऐसा लगता है कि मानो रसराज श्रृंगार वो ही मूर्तिमान स्वरूप धारण करके कांचन मंच के ऊपर विराजमान हो गया है, स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गया है। जो भाव प्रिया के हृदय में, वो ही लीला का अनुस्मरण श्री श्याम सुंदर के हृदय में भी बिल्कुल वैसा ही लीला का अनुस्मरण योगी को विराजमान है, और उसी रस का अनुसंधान करते हुए श्री श्याम सुंदर यहां पर भी वो ही बात कह रहे हैं कि कांचन मंच निविष्टः, सोने के मंच के ऊपर रसराज श्रृंगार ही मूर्तिमान स्वरूप धारण करके विराजमान हो गया है। अब श्री प्रिया जी कह रही है कि उद्धुर मरंद मत्ता रुद्धे सारेण गंध विसुरेण, इह सुंदर मल्ल गणे रो लंबा हंत गुंजंती। प्यारे देखो देखो, उद्धर मरंद मत्ता, उद्धर मने सर्वत्र फैलने वाली, सर्वत्र फैलने वाली, उद्धर उपमाने ऊपर, धर माने छा रही है, सर्वत्र फैलने वाली, मरंद मत्ता अपूर्व जो मकरंद सुगंध उससे मतवाली होकर के, उद्धार मरंद मत्ता रुद्धे सारेण गंध विसरेण, जिनमें रुद्धे सारेण, सार माने मधु मधु शहद मकरंद जिनके भीतर बधा हुआ है, और गंध विसरेण सुगंध चारों ओर फैल रही है, ऐसे इस भीतर मकरंद उसकी गंध चारों ओर फैल रही है, और ऐसे मकरंद से मतवाले होकर के, शहद का पान करके मतवाले होकर के, इस सुंदर मल्ली गणे, इस मल्ली की माला के, मल्ली की
की लता के ऊपर, मल्लिका लता के ऊपर रो लंबा हंत गुंजंती, भोरा ही गुंजा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अर्थात मल्ली की अपूर्व लता है, मल्लिका की लता है, सुंदर जूही की सुंदर लता है और उसके ऊपर भोरा ऐसे घूम रहे हैं मानो उन जूही के पुष्पों की भीतर जो मकरंद था उस मकरंद की गंध का, मकरंद के रस का पान करके ये मतवाले हो गए हैं। मकरंद की सुगंध चारों ओर फैल रही है और उस सुगंध से पहले आकर्षित हुए फिर उद्धत मरंद मत्ता उस मकरंद को पान करके मतवाले हुए फिर रुद्धे सारे साथ उसमें जो मधु था उस मधु में कुछ देर रुद्ध होकर के निश्चल होकर के विराजमान हुए और फिर गंध विसरेण सुगंध चारों ओर फैल रही है उनके ऊपर मल्लिगणे ऐसी मल्लिगणों के ऊपर रो लंबा हंत गुंजंती ये होरा गूंज रहे हैं। अब इस दृश्यावली के द्वारा एक अर्थोपक्षेपक उपस्थित किया। नाटक में अर्थोपक्षेपक होते हैं। अर्थोपक्षेपक का तात्पर्य है कि या तो जो अंश छूटा हुआ है उस अंश की सूचना दे दी जाएगी या आगामी अंश जो आने वाला है उसका कहीं संकेत कर दिया जाएगा। अर्थ माने कथा भाग, थीम, जो कथा की कथानक है, स्टोरी जो थीम है उस थीम का उपक्षेप माने कहीं छींटा आगे उड़ा देना और उससे आगे की कथा प्रकट हो जाएगी या जो अंश छूटा हुआ है और संगति नहीं मिल रही है उन सूत्रों को मिला दिया जाएगा। तो अर्थोपेक्षक अर्थोपक्षेपक ये कभी विष्कम्भ इत्यादि के रूप में आते हैं, बीच में कोई दो पात्रों की चर्चा के रूप में बीच की घटना दे करके और कथा की जो प्रवाह है उस प्रवाह को बना करके रखा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अलंकार इत्यादि के माध्यम से वर्णन करने के माध्यम से आगे की जो घटना आ रही है उस आगे की घटना का वर्णन कर दिया जाता है। तो यहां पर भोरे मल्ली माला के ऊपर घूम रहे हैं इत्यादि प्रसंग के द्वारा अब आगे के छठे अंक की जो कथा है उस छठे अंक की कथा का कहीं संकेत दे दिया गया कि आगे चंद्रावली जी के साथ में श्री श्याम सुंदर का जैसे प्रीति है उस प्रीति का अब वर्णन किया जाएगा। श्री चंद्रावली और श्री राधिका इन दोनों की प्रीति और इन दोनों में आपस में जो पक्ष और प्रतिपक्ष इनका भाव है उस पक्ष प्रतिपक्ष भाव उसको आगे प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिपक्ष श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया उज्जैनमणि में कि प्रतिपक्ष उसे कहते हैं मिथ्या द्वेषी विपक्षस्यात् इष्टः अनिष्टकारकः, जो झूठ मूठ द्वेष करे मिथ्या द्वेषी हो उसका नाम प्रतिपक्ष है। मिलन में जो बाधा डाले इष्ट का हानि करने वाला माने मिलन में बाधा डालने वाला और अनिष्ट कारक और कभी कभी अनिष्ट भी कर दे उसका नाम प्रतिपक्ष है। और श्री राधा रानी के पक्ष में और श्री चंद्रावली जी के पक्ष में ये ही कहीं नोक झोंक चलती रहती है। श्री ललिता विशाखा इनका प्रयत्न ये रहता है कि यदि श्याम सुंदर कहीं चंद्रावली जी की पक्ष में जा रहे हैं तो उनको रोक लेंगे। पद्मावशिया ये चंद्रावली जी की सखी हैं, इन दोनों का प्रयत्न ये रहता है कि श्याम सुंदर जा रहे हैं कहीं और बीच में ही रोक करके भुरा करके श्री श्याम सुंदर को अपनी सखी श्री चंद्रावली जी से मिलाएंगे। और कभी कभी सारी सखियां मिल भी जाती हैं तो मिल करके हमारा पक्ष बड़ा ये अहम अहमिका में ये अपने अपने पक्ष की महिमा का भी स्थापन करती है। जैसे आगे एक प्रसंग आएगा कि
श्री ललता जी और पद्मा जी दोनों मिली, आगे के अंक में आएगा। ललता जी पद्मा जी दोनों मिली, कह रही है अरे वीर पद्मा बड़े दिन में दिखी, तू तो दिखे ही ना। श्री पद्मा जी कह रही है बोले हाँ ललता तू सही कह रही है, मुझे फुर्सती ना मिली। बोल क्यों, ऐसा क्या काम आ गया? बोल क्या बताएं, अपनी सखी चंदावली का बार बार श्रृंगार करना, उसमें इतनी व्यस्त रही कि एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली चंदावली का श्रृंगार करने में। ललता जी सब समझ रही है कि ये बिल्कुल यहाँ पर अपने पक्ष की महिमा स्थापित करना चाह रही है, हमको चढ़ाना चाह रही है कि हमारी सखी चंद्रावली उनके साथ में श्याम सुंदर का मिलन है और श्री श्याम सुंदर को मिलन कराने में अपनी सखी चंद्रावली का अभिसार कराने के लिए हम सदा प्रयत्नशील रहती हैं। तो कह रही है पद्मा जी ललता तू बिल्कुल सही कह रही है वीर, हमको तो एक मिनट की भी फुर्सत ना मिले, अपनी सखी चंद्रावली को सजाते सजाते में ही सब समय व्यतीत हो जाए। कभी ये विचार आए कि नहीं यूं अच्छी लगेगी, कभी यूं अच्छी लगेगी, तो एक एक आभूषण को अनेक अनेक तरह से सजाते सजाने में ही बहुत समय लग जाता है, इससे फुर्सत ही नहीं मिलती है, इससे बड़े दिन में आज उससे मिलना हुआ है। ललता जी ने कही कि लो इनने तो बंदूक चला दी, उनने बंदूक चलाई तो अब ये तोप चलाएंगी। हमारे चंद्रशेखर दास परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज बड़े सुंदर वचन कहते, बोले एक ने बंदूक चलाई तो इन्हें तोप चला दी। वे कह रही है बोले अली सखी तू तो बड़ी भाग्यशाली है, जो दशा तुम्हारी है वही दशा हमारी है, हमको भी बिल्कुल एक मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। बोले क्यों? बोले आहा तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो कि अपनी सखी को सजा तो भी देती हो, हम तो अपने सखी के चरणारविंद में अलता लगाते लगाते सर्वांग श्रृंगार करना तो बड़ा दूर की बात, तुम तो सर्वांग श्रृंगार कर लेती हो। हमारी स्थिति तो ये है कि अपनी सखी राधिका के चरणों में अलता लगाने का कार्य भी हम पूरा नहीं कर पाती है। बोले क्यों? मतलब कहने का तात्पर्य ये कि श्याम सुंदर बार बार हमारी सखी के चरणों में जब अपना माथा झुकाते हैं रगड़ते हैं तो वो अलता बार बार पुछ जाता है, इसलिए अलता टिकता नहीं है। तो उनने बंदूक चलाई न तोप चलाई। तो ये आगे का जो प्रसंग है वो आगे के इसी प्रसंग को, ऐसे ही प्रसंग को जो पक्ष प्रतिपक्ष इनकी प्रीति के द्वारा निज पक्ष स्वपक्ष उसको स्वपक्ष की महिमा को बढ़ाना, ये आगे का संकेत यहां पर दे दिया। श्री राधा रानी कह रही है कि उद्धर मंदर मत्ता रुद्धे सारेण गंध विसरेणो, सुंदर जो मकरंद मंदर माने मकरंद, उस मकरंद के रस से मतवाला होकर के रुद्धे सारेण और जिसमें सार माने मधु भीतर भरा हुआ है कली में फूल में, उस मधु के ऊपर अवरुद्ध होकर के वहां पर टिक करके चंचलता त्याग करके वहां पर भोरा टिक जाता है और गंध विसरेण सुगंध चारों ओर फैल रही है, ऐसी फैलती हुई सुगंध उस सुगंध के से आकर्षित होकर के मतवाले मधु से मतवाला होकर के और मधु के स्वाद में अटक करके सुंदर मल्ली गणे, हे सुंदर श्याम सुंदर देखो मल्ली गणे इन मल्लियों के ऊपर मल्ली लता के ऊपर रोलंबा हंत गुंजंती, ये रोलंब माने भोरा ये सदा सदा गूंज रहे हैं वृंदावन में, कैसे गुंजार कर रहे हैं। अब रोलंब कहकर के अपने अपने यूथ की सखी माने चंद्रावली जी के यूथ की सखी वे अपनी तरफ आनंद हैं और राधा के यूथ की जो सखी हैं वे अपनी तरफ, तो रोलंब ये कहीं प्रतीक है श्री सखियों का और अलग अलग मल्ली लताएं हैं, अलग अलग मल्ली लताएं वे स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष श्रुत पक्ष ये चारों
पक्षों की प्रतीक होकर के विराजमान, श्याम सुंदर रोदन में भोरा होकर के विराजमान, कभी एक स्वरूप धारण करके कभी अनेक स्वरूप धारण करके भी एक काल में श्री सब प्रियाओं के साथ में विलास करते हुए भी आप विराजमान हो रहे। श्री वृंदाजी कह रही है कृष्ण भी उद्धार मंदर इत्यादि पठती, उद्धार मंदर इन शब्दों का इसी श्लोक का गायन करते हैं। श्री विष्णु पुराण में निरूपण किया गया कि उपगीयमान श्रीमद् भागवत में श्लोक आया, उपगीयमान उद्गायन बंता शतीर्थपाह मालाम विभ्रत वैयंती बेचरन मंडयन वनम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने उपगीयमान उद्गायन का बड़ा सुंदर अर्थ किए और उसका उदाहरण देकर के लीला में उनका प्रयोग करके दिखाया कि श्री श्याम सुंदर यदि कोई गीत गा रहे हैं तो श्री प्रिया जी भी उसी गीत को गा रही है। अब प्रिया जी ने जो गीत गाया, जो श्लोक बोला, उसको ही श्री श्याम सुंदर कहीं उसमें केवल एक मात्रा बदल देते हैं और मात्रा बदल करके उसी गीत का गायन कर रहे हैं। अब जैसे यही श्लोक है कि उद्धार मंदर मत्ता रुद्रे सारेण गंध विसरेण सुंदर, प्रिया जी तो कहेंगे सुंदर और प्रिया श्याम सुंदर जब बोलेंगे तो सुंदर की जगह केवल सुंदर ही की मात्रा लगा देंगे। तो उपगीयमान उद्गायन जो श्याम सुंदर ने गायन किया उसका ही श्री श्याम सुंदर भी प्रिया जी भी गायन करती हुई विराजमान हो रही है। उपगीयमान उद्गायन का मतलब यह है कि जो पंक्ति श्याम सुंदर ने कही वही पंक्ति कहीं जरा सा एक स्वर बदल करके बदलने से और उसी पंक्ति को श्री श्याम सुंदर गायन करते हुए विराजमान हो जाए। इसी तरह से उपगीयमान उद्गायन में श्याम श्री प्रिया जी ने कोई गीत गाया मानो तोड़ी राग में, श्याम सुंदर उसी गीत को तोड़ी राग में लगा करके सारंग राग में गा देंगे। उपगीयमान उद्गायन ऐसे प्रिया जी ने कोई गीत गाया यदि तीन ताल में, श्याम सुंदर उसी तीन ताल के गीत को एक ताल में निबद्ध करके गायन कर देंगे। उपगीयमान उद्गायन जो प्रिया ने गायन किया उसका ही गायन करते हुए विराजमान। तो सुंदर की जगह सुंदरी कह करके कभी ताल बदल करके कभी स्वर बदल करके कभी स्वर की आलापचारी जो है उसको बदल करके श्री श्याम सुंदर और प्रिया दोनों गायन करते हुए विराजमान। ये श्री श्रीमद् भागवत में जो राजपंचाध्याय में आया उपगीयमान उद्गायन बंता शतीर्थपाह माला विभ्रत वैयंती बेचरन मंडयन वनम, ये उपगीयमान उद्गायन का यही एक सूत्र है। यहाँ पर भी जैसे हो रहा है तो श्री प्रिया जी ने जो गायन किया कृष्णा उद्धार मंदर इत्यादि पठती, श्याम सुंदर की उद्धार मंदर इत्यादि ये जो मरंद इत्यादि जो श्लोक है इस श्लोक को वैसे ही गायन कर रहे हैं। प्रिया जी ने वहां पर सुंदर शब्द का प्रयोग किया था, श्याम सुंदर जब गायन करेंगे तो सुंदर की जगह सुंदरी शब्द का प्रयोग कर देंगे, संबोधन मात्र बदल देंगे, एक मात्रा बदल देंगे, कभी एक शब्द बदल करके कभी एक मात्रा बदल करके कभी ताल बदल करके कभी राग बदल करके उसी का गायन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। श्री वृंदा जी कह रही हैं कि पीतात सूक्ष्म शिखरा चंपक कल केयम आभाति मानवती हृदमथनी हरिमी कामस्य शक्ति एवं। वृंदा जी ने उत्तर दी कहा बोले हे श्री वृंदावन के अधीश्वर अधीश्वरी पधारो पधारो देखो देखो ये चंपक कली चंपे की कली कैसी सुंदर सुशोभित हो रही है। पीत और अति सूक्ष्म शिखरा जिसका शिखर का भाग अत्यंत अत्यंत पीला है, द्वरंगी ये चंपे की लता कली है, चंपे की कली का नीचे का जो भाग है वो तो है हरा और इसका ऊर्ध्व भाग जो है ऊपर का भाग
वो एकदम पीला दिख रहा है, दुरंगी ये एक ही जो उसकी पंखुड़ी है वो एक पंखुड़ी में ही दो रंग दिख रहे हैं। तो पीता सूक्ष्म शिखरा, शिखर भाग पीले रंग का अति नुकीला जो भाग है वो तो एकदम पूरी तरह से पीला दिख रहा है। पीत और अति सूक्ष्म शिखरा, एकदम नुकीला और पीले रंग का शिखर जिसका दिख रहा है, अर्थात नीचे का जो भाग है वो नील भाग प्रतीत हो रहा है और ऊपर का भाग पीत प्रतीत हो रहा है। कोई अपूर्व माधुरी का जय जय श्री राधे, कोई अपूर्व प्रेम विलास विवर्त का सखी गण दर्शन कर। पीतात सूक्ष्म शिखर, हरा और नीला दोनों भाग जिसमें परिपूर्ण रूप से विराजमान है, ऐसा कोई अपूर्व कोई विवर्त स्वरूप, वो विवर्त स्वरूप कहीं सामने प्रकट हो रहा है। ऊपर का भाग पीला है, नीचे का भाग यहां नील होकर के विराजमान। पीतात सूक्ष्म शिखरा चंपक कली के अम, ऐसी ये चंपे की जो कली है वो अति भाति उस रूप माधुरी का, उस चंपे की रूप माधुरी का श्री वृंदाजी दर्शन करती हुई देख रही है, दर्शन कर रही है, और दर्शन करते हुए कोई अपूर्व विवर्त का दर्शन, प्रेम के अपूर्व उत्कर्ष का दर्शन करती हुई विराजमान हो रही है कि ये चंपक कलिका आह कैसी सुंदर शोभा को प्राप्त कर रही है। श्री कृष्ण उसी चंपक कलिका का दर्शन करते हुए बात को पूरा कर देते हैं, श्लोक जो है उसको पूरा कर देते हैं कि मानवती हृन्मथनी हैमी कामस्य शक्ति एवं, कि मानो कोई सोने की बनी हुई कामदेव की शक्ति है, ये कामदेव का एक शक्ति नामक आयुध है जो कि सोने का बना हुआ है, और ये मानवती मान से युक्त होकर के विराजमान है, और हृन्मथनी प्यारे के या दर्शक के हृदय को मत देने वाला है। तो दर्शक के हृदय को मत देने वाला मान से युक्त अतः स्वाभाविक मानता से युक्त या हरिणी माने सुवर्ण की बनी हुई कामदेव की ही शक्ति है जो कि मान से युक्त है और हृन्मथनी हृदय को मतने वाली है। श्री प्रिया की वामता वह भी श्याम सुंदर के लिए कहीं कामदेव की शक्ति होकर के ही विराजमान है, और इस बात को कहीं काव्य शास्त्र में उज्जवल निर्मणि में ये निरूपण किया कि प्रमदा की वामता श्री विश्वानंदिनी जी की किशोरी जी की जो वामता है वो श्याम सुंदर के लिए मन्मथ का पंच बाण है। वार्यमानता और वामता ये दोनों नायक के लिए पंच बाण के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये कहीं जो प्रेम शास्त्र है उस प्रेम शास्त्र की यह वात्स्यायन की एक प्रवृत्ति है। महर्षि वात्स्यायन ने यह निरूपण किया कि वामता और वार्यमानता यह मन्मथ के पंच बाण होकर के ही विराजमान है जो नायक के हृदय में और भी अधिक प्रीति को उत्पन्न करने वाले होकर के स्थित होते हैं। तो श्री श्याम सुंदर उसी ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि पीतात सूक्ष्म शिखंजे मानवती और हृन्मथनी, प्रिया का मान धारण करना या नायक के हृदय में मन श्री किशोरी जी का मान धारण करना या श्री श्याम सुंदर के हृदय में उल्टा और प्रेम को बढ़ा देने वाला, उनके मन को मत देने वाला होता है। मानो यह वार्यमानता और दुर्लभता वामता ये कामदेव के ही मानो पंच बाण होकर के विराजमान है।
तो बाणमयता दुर्लभता और बामता यह कहीं कामदेव के बाण कही गई है। तो हैमी कामस्य शक्ति वो ये स्वर्ण की काम की कामदेव की शक्ति होकर के विराजमान है। मधुमंगल कह रहे हैं कि वो वैश्य अरे तुम समझ रहे हो कि ये कामदेव का बाण है, कामदेव का बाण नहीं है। ऐसा कामस्य शक्ति न भवति, ये कामदेव की शक्ति नहीं है बल्कि ये तो जटिलाक्षता सा हरताल गौरी लपुटिका, ये तो जो हरताल माने हल्दी, उस हल्दी के पेड़ की सफेद रंग की छड़ी है। हल्दी की छड़ी लेकर के जटिला चलती है, हल्दी के पेड़ की छड़ी एक टहनी लेकर के मोटी डंडी लेकर के चलती है। उन्होंने ये हर तालिका की हल्दी की छड़ी उसको ही फेंका है। ऐसे मधुमंगल ने जो याद दिलाई, अब यहां पर एक बहुत सुंदर रहस्य बिल्कुल साधक की भावनाओं को एकदम स्पष्ट करने वाला है, वो ये कि श्री प्रियालाल जिस समय श्री निकुंज मंदिर में आप भीतर विलास कर रहे हैं और योग पीठ में विराजमान है, उस समय तो श्री प्रियालाल बिल्कुल ये भूले हुए हैं कि इस निकुंज निर्मित निकुंज के या इस निकुंज मंदिर के बाहर भी कोई दुनिया है। उस समय उनका पूरा का पूरा रस केवल प्रिया की रूप माधुरी, प्रिया की पैनी भूतने में ही, प्रिया के चरणों में अंतर लगाने में ही लगा हुआ है। श्री प्रिया प्यारे के रूप माधुरी का प्रतिपल आस्वादन करती हुई, अपने संपूर्ण सुख को प्यारे को समर्पित करती हुई, प्यारे की सेवा करती हुई विराजमान है और भूल नहीं है बाहर कुछ है। अब लीला शक्ति क्योंकि अन्य रसों के परिप्रेक्ष्य में श्रृंगार रस को बढ़ाना चाहती है, इसलिए वे अन्य रस की याद दिलाती है। जैसे कोई चित्र हो और जब तक उसकी फ्रेमिंग नहीं हो तब तक वो चित्र उभर करके सामने नहीं आएगा। केवल चित्र हो और उसकी फ्रेम नहीं की गई हो तो वो जैसे उभर करके सामने नहीं आता है। इसी प्रकार श्रृंगार रस है, निकुंज विलास रस है, परंतु उस निकुंज विलास रस के साथ में व्रज रस यह फ्रेम नहीं है, तो निकुंज विलास का जो रस है उसका और ज्यादा उभार नहीं होगा। इसीलिए श्री लीला शक्ति निकुंज में जब प्रियालाल विराजमान है उस समय उनको जब उनका रस पूर्ण हो गया, तो रस पूर्ण हो जाए तब उनको बाहरी